नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए रुख करते हैं 5 मिनट में देश दुनिया से जुड़ी 25 खबरों का। कोरोना की दूसरी लहर नहीं हुई खत्म और तीसरी आने को तैयार। अक्टूबर तक देश में दस्तक दे सकती है थर्ड वेव। महान एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का हुआ निधन। पीएम मोदी ने भावुक संदेश से दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ अहम बैठक कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ₹390 लोगों को नकली टीका लगाने वाले 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से पकड़ा गया वैक्सीन देने वाला। गुजरात के वडोदरा में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज। आरोपी हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में बारिश से नदियों में बढ़ा जलस्तर। पूर्वांचल के 16 जिलों में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी। यूपी से मलेशिया तक हो रही रोहिंग्या महिलाओं की तस्करी। गिरोह के सरगना समेत 4 एटीएस के हत्थे चढ़े। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सदस्यों को डरा धमका रही भाजपा। यूपी सरकार के लिए कोरोना का कटघरा बनाएगी कांग्रेस। टीमें लगाकर जुटाए जा रहे मौतों के आंकड़े। मुलायम परिवार की पूर्व बहू मोनिका यादव ने थामा भाजपा का दामन। फर्रुखाबाद में जीत चुकी हैं पंचायत चुनाव। अपनी हरकतों से नहीं बाज आ रहा चीन। ताइवान के इलाके में 6ठी बार घुसपैठ की कोशिश। भेजे 7 लड़ाकू विमान। चीनी साइबर जासूसों की नजर भारत पर। डिफेंस टेलीकॉम समेत कई सेक्टर को कर रहे हैं टारगेट। पाकिस्तान की भारत को धमकी। कश्मीर में कोई कदम उठाया तो क्षेत्रीय सुरक्षा शांति का होगा खतरा। इजरायली सेना में तैनात है गुजरात की बेटी नित्शा। गाजा में हमास से लड़ रही है जंग। २९ देशों में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट। WHO को चिंता, कहीं पूरी दुनिया में ना फैल जाए ये स्वरूप। करण जौहर ने पिता की याद में यश जौहर बनाया फाउंडेशन। फिल्म इंडस्ट्री के लोग की करेंगे हेल्प। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के कंटेस्टेंट और एक्टर वरुण सूद को लगी गंभीर चोट। खतरनाक स्टंट करते वक्त हुए घायल। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी हुए वैक्सीनेशन स्कैम का शिकार। 356 कर्मचारियों को नहीं मिला सर्टिफिकेट। राखी सावंत ने की दमदार वापसी। म्यूजिक वीडियो ड्रीम में एंट्री से मचाई धूम। सावधान इंडिया फेम एक्ट्रेस को मुंबई पुलिस ने चोरी के मामले में किया गिरफ्तार। शूटिंग रोकने से हो गई थी पैसों की कमी। गावस्कर का बड़ा बयान, टॉस से पहले 11 में बदलाव कर सकता है भारत। WTC फाइनल में होगी रिकॉर्ड्स की बारिश। दनादन बनेंगे एक से बढ़कर एक कमाल के रिकॉर्ड। शेफाली वर्मा ने कर दिखाया कमाल। 50 साल बाद सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की हुई बराबरी। माइकल वॉन ने उड़ाया टीम इंडिया का मजाक। क्लॉयक अमांडा बेली ने दिया करारा जवाब।
शेफाली की ताबड़तोड़ बैटिंग के कायल हुए फील्डिंग कोच श्रीधर, कहा दिखती है वीरू की झलक। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।